वेलकम फ्रेंड्स, कानून का ज्ञान विदेश की यूट्यूब। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स के बारे में कि जो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट्स होते हैं कितने टाइप के होते हैं, गवर्नमेंट के कौन से एडवोकेट होते हैं, कैसे अपॉइंट किए जाते हैं और कौन कौन एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में डिटेल में आपको बताऊँगा सुप्रीम कोर्ट की प्रैक्टिस के बारे में, सारे तरीके के एडवोकेट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले नंबर पर प्राइवेट प्रैक्टिस में लेने आ जाते हैं डेजिग्नेटेड सीनियर। डेजिग्नेटेड सीनियर जो एडवोकेट होते हैं दोस्तों, वो एओआर से भी डेजिग्नेट हो सकते हैं और जो लोग एओआर नहीं हैं वो उनसे भी डेजिग्नेट हो सकते हैं। अब डेजिग्नेशन के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले बता देता हूँ एओआर के बारे में। प्राइवेट प्रैक्टिस में फ्रेंड्स तीन तरीके के एडवोकेट्स हो गए, डेजिग्नेटेड सीनियर, आपका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जिसे एओआर कहते हैं, थर्ड आ गए नॉन एओआर। नॉन एओआर में वो एडवोकेट्स आ गए जो नॉर्मल अपना रजिस्ट्रेशन करवा कर अपना बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से या किसी भी बार काउंसिल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब एओआर पहले क्या होते हैं, एओआर का दोस्तों एक एग्ज़ाम होता है सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का। फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट में जो राइट है, पावर है फाइलिंग की, वो एओआर के पास में है। बिना एओआर के साइन के कोई भी मैटर फाइल नहीं हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, एओआर का एग्ज़ाम होता है, चार पेपर होते हैं एओआर के एग्ज़ाम। लेकिन दोस्तों, एओआर का एग्ज़ाम मैं आपको बता दूँ, ये बहुत टफ होता है। पहले इसमें अटेम्प्ट नहीं थे, लेकिन अब इसमें फ्रेंड्स पांच अटेम्प्ट कर दिए गए हैं। पांच बार आप पेपर दे सकते हैं एओआर का, अगर आप पांच बार में से क्लियर कर लेते हैं तो आप एओआर बन जाएंगे, उसके बाद में आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो अब तो इसमें अटेम्प्ट कर दिए गए हैं, चार एग्ज़ाम होते हैं इसमें, ड्राफ्टिंग एंड ट्रेडिंग और थ्री अदर सब्जेक्ट का। तो फ्रेंड्स, एओआर का एग्ज़ाम काफ़ी टफ होता है, इतना आसान नहीं होता है एओआर का एग्ज़ाम, एओआर बनना सुप्रीम कोर्ट में। अब आ जाते हैं वापस डेजिग्नेटेड सीनियर पर। फ्रेंड्स, डेजिग्नेटेड जो सीनियर होते हैं वो बनाए जाते हैं कमेटी द्वारा। कमेटी में जो मेंबर्स होते हैं, एक तो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े जज हैं, वो होते हैं सबसे टॉप मोस्ट पे कमेटी के मेंबर। और सेकंड नंबर पर आ जाते हैं टू जजेस, जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई के बाद में, वो टू जजेस होते हैं उसमें कमेटी में। और फ्रेंड्स, इसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल सबसे बड़े वकील माने जाते हैं देश के, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती है अपने लिए, वो होते हैं इस कमेटी में। और फ्रेंड्स, इसके बाद में आ जाता है जो बार के मेंबर्स हैं, एक मेंबर उनमें से वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार के मेंबर हैं। अब ये कमेटी जब बैठती है, इन्हें नेम जाता है, ये अपॉइंट करते हैं डेजिग्नेटेड सीनियर। डेजिग्नेटेड सीनियर नॉन एओआर भी हो सकते हैं और जो एओआर हैं वो भी डेजिग्नेटेड सीनियर हो सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एओआर ही सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, एओआर ही वकालतनामा लगा सकता है, बिना एओआर के कोई भी फाइलिंग नहीं होती। लेकिन डेजिग्नेटेड सीनियर के लिए फ्रेंड्स, अगर डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट कोर्ट में अपीयर हो रहे हैं तो उनके लिए मैंडेटरी है एक उनके साथ में उनका जूनियर होना चाहिए। तो ये तो हो गए दोस्तों प्राइवेट प्रैक्टिस में जो डेजिग्नेटेड सीनियर, एओआर और नॉन एओआर। अब फ्रेंड्स, इसमें देश के जो टॉप मोस्ट सबसे बड़े वैसे वकील डेजिग्नेटेड जो सीनियर हैं, वो भी बड़े ही वकील होते हैं। अब गवर्नमेंट जो अपॉइंट करती है फ्रेंड्स, अपनी तरफ से जो गवर्नमेंट के वकील होते हैं, जो प्रेसिडेंट तक को इसमें एडवाइस देते हैं, वो सबसे टॉप मोस्ट पर आ जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपका बताऊँ, सेंट्रल गवर्नमेंट में होते हैं फ्रेंड्स अटॉर्नी जनरल, या कहें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आर्टिकल 76 में इसके बारे में दिया गया है, डिफाइन किया गया है। फ्रेंड्स, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, और फ्रेंड्स वो इक्विवेलेंट होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर में, यानी कि उतनी ही वैल्यू होती, अपॉइंट होता है वही बंदा अपॉइंट होता है अटॉर्नी जनरल के लिए, जिनकी वैल्यू सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर होती है। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और देश के सबसे बड़े वकील में आ जाते हैं।
और फ्रेंड्स इसमें अटॉर्नी जनरल के बाद में आ जाती है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स ये भी देश के बड़े वकील हैं सॉलिसिटर जनरल जो है, लेकिन इनकी जो पोस्ट है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बाद में आ जाती है, या कहें सेकंड लॉ ऑफिसर हैं दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट में। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है फ्रेंड्स ये असिस्ट करते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल हैं उनके नीचे आगे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एएसजी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये जो सारी पोस्ट हैं ये अपॉइंट की जाती हैं। इसमें इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और आपका जो प्रेसिडेंट है और सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं उनके द्वारा ये अपॉइंट किए जाते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं स्टेट की। स्टेट में होते हैं फ्रेंड्स एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल जो होते हैं फ्रेंड्स ये इक्विवेलेंट होते हैं हाई कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट के जज के बराबर इनकी वैल्यू होती है। ये असिस्ट करते हैं, एडवाइस देते हैं स्टेट गवर्नमेंट को। फ्रेंड्स सेंट्रल में आ गए अटॉर्नी जनरल और स्टेट में आ गए एडवोकेट जनरल। और एक और पोस्ट होती है डबल एजी एडिशनल एडवोकेट जनरल, वो असिस्ट करते हैं एडवोकेट जनरल। सो फ्रेंड्स इतने टाइप के एडवोकेट्स होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने अलग एडवोकेट्स होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग एडवोकेट्स होते हैं, और दोनों ही इसमें हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हो सकते हैं और तब जब चाहें इसमें जो है अपना असिस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को जो अटॉर्नी जनरल है। और गवर्नमेंट अगर कोई एडवाइस लेना चाहे, लीगल एडवाइस लेना चाहे तो वो अटॉर्नी जनरल उन्हें एडवाइस दे सकते हैं। फ्रेंड इतने टाइप के वकील होते हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो रेड बटन आ रहा है इसे प्रेस करकर बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।